पंचम का ये 77th बर्थडे है और आज हम सब उसी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पंचम से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती थी और बहुत साल 30 साल के करीब इकट्ठे काम किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस प्रोग्राम को नितिन साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये डन ए वंडरफुल जॉब, बहुत उन्होंने तैयारी की है, मेहनत की है एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी, दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग और अच्छी एक ट्रेडिशन रखी है, उसमें एक केक भी काटेंगे। सो पंचम इज ए फिनोमेना, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। बहुत खुशी हो रही है कि आज सिर्फ मैं, भूपी और बहुत सारे आशा जी, उत्तम जी, सुरेश जी और सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसका श्रेय जाता है नितिन जी को कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, सबको इकट्ठे किए हैं। और पंचमदा के बारे में क्या कहना, वो बहुत एक जिंदा दिल इंसान थे। जब मैं मिली थी, इतना लाइवली कि एकदम लाइव वायर की तरह, जिस तरह से म्यूज़िक सोचते थे। और मुझे सौभाग्य ये हुआ था कि मैंने 4 बंगाली गाने उन्होंने कंपोज किया था मुझे गाने के लिए और रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली आज का जो इवेंट है, इट्स रियली रियली स्वीट ऑफ नितिन के एवरी ईयर पंचमदा का बर्थडे मनाने के लिए हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं एंड पंचमदा 77th बर्थडे। और मुझे याद है, मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया था उत्तम सिंह जी ने गिटार बजाने का, तो उनके साथ शुरू हुआ था, गॉट ट्रेंड विद हिम एंड वो करते करते उसके बाद में एक दिमाग में था कि पंचमदा के लिए गिटार बजानी है ना, पंचमदा के लिए काम करना है। एंड जिस दिन पहली बार कॉल आया कि पंचमदा के वहाँ से बुलाया गया कि गिटार बजानी है, आई थिंक होश उड़ जाना, क्या बोलते हैं उसको पहले।